है उसको सुनाई तो आप अपने गाड़ी वाला भाई अगर कोई जा देते हैं यहां गाड़ी का गाड़ी वाला नहीं गाड़ी का यहां गाड़ी को प्राप्ति होगा वो तो अभी 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 अरेंज करना तो मुश्किल हो जाएगा भाई को करने में आज नहीं बोल रहे जी कल तो बहुत बोल रहे जी सर मेरा बना सीधा साधा वो पीछे करा पीछे वाला बंद करवा दो थोड़ा गाना में गोल गोल कम करवा दो पीछे वाला स्टेज को बंद कराएगा दो कुछ नहीं का स्टेज को बंद करवा दो वॉल्यूम बंद करवा दो पीछे वाली स्टेज बंद करा दो स्टेज ही है हमारे पास और पीछे वाला हौली करा दो बार आवाज बहुत हौली आवाज आ नहीं रही ये आ रही है लोगों ने सुन लिया आपका कौन सा संगठन थोड़ा हिंदी में भी बोलिए नहीं आप कोई सुंदर पंजाबी में टोटल पंजाबी थोड़ा कम होगा मतलब पंजाबी बोलिए आप लोग थोड़ा हिंदी में उसके बाद हिंदी अच्छा जी ऐसी देखो ठीक पौने पांच बजे एक मिनट रह गया एक मिनट के बाद हम कुछ बंदा एक हिंदी और ये लोग हिंदी पंजाबी चौदह कर दो मैं ना हिंदी सुनिए जी मैं शुरू करवाता हूँ प्लीज मैं जोर से बोलता हूँ शुरू करें माइक चलेगा बोलेगा नहीं नहीं ये नहीं चलेगा लेकिन उनका लगाना बाकी था अभी चलो नेक्स्ट कल से करेंगे और ऊपर कर दो यार बहुत ही प्यारे और सत्कारी और पत्रकारों आपस में एक बार आपस में बोलना बंद कीजिए सर आप बीच में जाओ तब आएगी नहीं तो माइक तो आएगी नहीं आपकी आवाज में फायदा क्या मैं बस ही बहुत ही प्यारे और सत्कारयोग पत्रकारों आज हम इस संघर्ष के दौरान दिल्ली में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हम अभी ये 40 संगठनों का जो संघर्ष है आप देख रहे हो दिल्ली में आ गया है और देश के अन्य इलाकों से भी लोग आ रहे हैं और संघर्ष में शामिल हो गए हमारे बीच हमारे साथ जो साथी हैं अपना अपना नाम बोलते जाएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते जाएंगे आज जो हमने मीटिंग किया उसमें फैसले क्या हुए आगे ऐलान क्या किया वो बताएंगे हमारे बीच आज की मीटिंग के अध्यक्ष सुरजीत सिंह फूल हैं जो भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के अध्यक्ष भी हैं आज इन्होंने हमारी मीटिंग की अध्यक्षता भी की इनसे हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करेंगे और बाकी लोग अपना अपना जो डल्लेवाल साहब और राज्यवाल साहब अपना अपना इंट्रोडक्शन देते जाएंगे और आपको एड्रेस करते जाएंगे मैं डॉक्टर दर्शन पाल हूँ क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब का मैं अध्यक्ष चलो थोड़ा नेड़े पत्रकार कॉन्फ्रेंस दे विच शामिल मीडिया नाल जुड़े सारे सत्कारयोग साथियो तुसी नाम के साथ दोबारे सरजीत सिंह फूल स्टेट अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी पंजाब असी सारे जो पत्रकार साथी है हिंदी में भी बाद में कर देंगे पहले एक बार पंजाबी में सुन लो उन्हां दा धन्नवाद करते हाँ क्योंकि तुसी जो किसानों का एजिटेशन है 26 तरीक तो दिल्ली में शुरू हुआ है उनका कवरेज करने के लिए तुसी साडा साथ दिता तुहाडा सारिआं दा पहला धन्नवाद असी जो अज मीटिंग कीती है उस मीटिंग दे विच कई अहम फैसले किते हन पहला फैसला यह है केंद्र सरकार वालों किसान जथेबंदियों नू इनविटेशन सद्दा पत्र आया सी गलबात करन करके जो किसानों दे मसले है उन्हां दा गलबात राहीं हल करने के लिए
असी विचार के जो केंद्र सरकार का इनविटेशन था उनको एक्सेप्ट नहीं किया, प्रवान नहीं किया, क्योंकि उस इनविटेशन में एक शर्त कंडीशन था कि पहले किसान जितने भी इस हाईवे पर या दूसरे जो रोड हाईवे रोड है उन पर बैठे हैं वो सभी अपने व्हीकलों के साथ बराड़ी पार्क में चले जाएं। जब सभी किसान सड़कों को खाली करके बराड़ी पार्क में चले जाएंगे तो अगले दिन सरकार उनके साथ गलबात करेगी। सो असी इस कंडीशन को समझते हैं भी वो किसान जथेबंदियों का या किसानों के संघर्ष का अपमान है, असी उसको प्रवान नहीं किया, उसको अप्रवान करता एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा फैसला आज जो मीटिंग दे विच होया है, मीटिंग में हुआ है, वो फैसला है भाई हुण सारे जो किसान हजारों ट्रैक्टर ट्रालियों में लाखों की गिनती में दिल्ली पहुंचे हैं, दिल्ली जो सदा था ऑल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चा का, जिसमें 500 के लगभग किसान संगठन शामिल हैं, उस संयुक्त किसान मोर्चे के सदे पर 26 तारीख को दिल्ली को कूच करो, दिल्ली चलो, उस सदे को लागू करते हुए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी, मध्य प्रदेश सभी स्टेटों के किसान अपने किसान संगठनों के साथ दिल्ली चलो के सदे के तहत दिल्ली पहुंचे हैं 27 को, क्योंकि जब पंजाब से किसान अपने ट्रैक्टर ट्रालियों से सवार होकर दिल्ली आ रहे थे तो हरियाणा की जो मनोहर लाल खट्टर की मुख्यमंत्री की अगुवाई वाली सरकार है, उस सरकार ने बढ़िया रोका लगा के सड़कों के विच खाइयां पटाकर पत्थर कई टन भारे पत्थर रखा कर और जेड़े टिप्पर होते हैं उनमें मिट्टी डालकर सड़कों में जाम करके रख दिया था। इसलिए सभी किसान उन रोकों को उठाते हुए रोकों को परे करते हुए 27 तारीख सवेर जहां दिल्ली पहुंचे थे। सो अगला फैसला असी एक किता है भई हुण जब सरकार ने गलबात को भी कंडीशन लगा दिया है, हुण असी बडारी पार्क में नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि जो असी पड़ताल किया है बटारी पार्क का, हमें पता लगा है भी वो पार्क नहीं है, वो ओपन जेल है। ओपन जेल के दो सबूत हमको आज मिल चुके हैं। पहला सबूत उत्तराखंड के किसान तेजेंद्र सिंह बिरक, जो उत्तराखंड के किसानों का अध्यक्ष है, उनकी अगुवाई में अपने ट्रैक्टर ट्रालियों पर सवार होकर दिल्ली पहुंच चुके थे। उन्होंने कहा हम जंतर मंतर जाना चाहते हैं, जो दिल्ली की पुलिस है, दिल्ली का प्रशासन है, उन्होंने उनके साथ धोखा किया। तेजेंद्र सिंह बिरक को कहा भी आइए तुमको जंतर मंतर में ले जाते हैं, पर जंतर मंतर पर ले जाने के बजाय उनको घेर के बराड़ी पार्क में बंद कर दिया, जिसने पुष्टि कर दिया भी बराड़ी पार्क कोई आंदोलन करने का पार्क नहीं, वो ओपन जेल है। सो इस करके असी ओपन जेल में जाने की बजाय जहां ही सभी जो मार्ग है, पांच मेन मार्ग है, पहला
जो सोनीपत वाला है जहां हम बैठे हैं, सेकंड बहादुरगढ़ जो रोहतक बहादुरगढ़ वाली रोड है टिकरी वाला, तीसरा जो जयपुर से दिल्ली हाईवे आता है भारू हेरा शायद उनका बॉर्डर है, चौथा जो मथुरा से दिल्ली आता है मथुरा आगरा से उनका बलपुर है, पांचवा जो इधर ईस्ट साइड से आता है गाजियाबाद से हापड़, ये पंजी जो पॉइंट है, पंजी पॉइंटों पर असी रोड पर रोड जाम करके, पंजी हाईवे जाम करके दिल्ली की घेराबंदी करेंगे और पक्के तौर पर ये पंजी पॉइंटों पर पंजी जो बिंदु है उन पर बैठेंगे। हमारे पास सभी जो रहने के लिए जो ट्रैक्टर ट्राली है उनको असी रूम का रूप दिया है, उनमें गद्दे लगे हैं, कपड़े हैं, खाने का सभी सामान है, हमारे साथ इतना राशन है जे 4 महीने भी हमको रोड पर बैठना पवे तो 4 महीने हमारे साथ राशन है, कोई साड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सो इसकी असी लम्बे दौर की तैयारी करके जो किसान आए हैं वो बैठेंगे। अगला जो असी तीसरा फैसला किया है इसको संचालन करने के लिए जो किसान जथेबंदियों का सारे स्टेज में संचालन कर ले, सारे इस एजुटेशन में संचालन कर ले, जितने रोड है जितने पॉइंट है सभी पॉइंटों पर किसान जथेबंदियों का साझा संचालन कमेटी बन चुकी है, वो ही किसी बुलारे को बुलाना है किसी को नहीं बुलाना है किसी को कितना टाइम देना है जो जो संचालन कमेटी है वो तय करेगी। और नाल ही असी हमारे फैसला किया है किसान जथेबंदियों ने भी कोई भी राजनीतिक दल असी 2 महीने से ऊपर हो गया पंजाब में लगातार संघर्ष करते हुए, रेल जाम किया है, जो घराने हैं कारपोरेट घराने हैं उनके माल जो है उनके पंप है उनके टोल प्लाजे है, 2 महीने से लगातार असी धरने लगाए हुए हैं, किसी भी पॉलिटिकल राजनीतिक दल है उनको स्टेज पर बोलने की इजाज़त नहीं, भावें कोई कांग्रेस का हो बीजेपी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, कांग्रेस का हो आम आदमी पार्टी का हो किसी और दल का हो किसी भी जो राजनीतिक दल है वो हमारे स्टेज पर बुलारे के तौर पर एज ए स्पीकर के तौर पर नहीं बोलेगा, जहां पर भी हमारी जो संचालन कमेटी है वो तय करेगी, जे कोई राजनीतिक दल का आगू है उसको बोलने की इजाज़त नहीं होगी, जो और संगठन है सपोर्ट करना चाहते हैं बाहरों रहकर 30 किसान जथेबंदियों या टोटल किसान जथेबंदियों की जो सांझी संचालन कमेटी है उसकी हदायतों को उसकी ये रूल जो है उसके नियमों को मानते हुए जो मानने की शर्त पर मानेंगे उनको बोलने की इजाज़त दी जाएगी। इसके साथ सारा मैनेजमेंट करने के लिए क्योंकि सानू पता लग गया असी माफ़ी चाहते हैं पहले ही सोतों, कुछ कल जो तुहाडे मीडिया वाले थे चैनल वाले थे उनके साथ कोई कॉन्शियस तौर पर नहीं जाने अनजाने कुछ लोगों ने दुर्व्यवहार किया है, उनके जो मोबाइल वगैरह थे वो भी उनको तोड़ा है, असी साढ़े जो एजुटेशन दे विच किसी भी किसान ने जो भी ऐसा किया है उसको उसकी असी सभी से माफ़ी चाहते हैं, आगे से असी इसको कंट्रोल करने के लिए ये किया है जब भी मीटिंग होगी आगे कल को मीटिंग होएगी, हाँ जी जब भी मीटिंग होएगी तो जो साडा ऑफिशियल प्रेस नोट होएगा वो जहाँ से तुहानू रिलीज किया जाएगा वही ऑथोराइज्ड साडा प्रेस नोट होगा, और जो वाइट करते हैं किसी इंडिविजुअल से वो उनका इंडिविजुअल का इंडिविजुअल विचार होगा, उसको इस सांझा जो किसान मोर्चा है उसका ऑथोराइज्ड या ऑफिशियल स्टेटमेंट ना माना जाए। सर एक बार डिमांड बता दीजिए एग्जैक्टली हमारे जगजीत सिंह डल्लेवाल अभी डीके डल्लेवाल से अपने बात करते हैं संक्षिप्त में रखेंगे सर, बट डिमांड्स एग्जैक्टली क्या क्या डिमांड पूरा एक्सप्लेन देखिए मैं बताता हूं आपको मैं सब कुछ बताऊंगा भाइयों। मेरा नाम जगजीत सिंह डल्लेवाला, प्रदेशाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर।
हम एक बात ये क्लियर करनी चाहते हैं, जो बात में थोड़ा हो सकता है आप सभी को कन्फ्यूजन रह गया हो, कि जो वो लेटर था मीटिंग के लिए वो एक कंडीशनल लेटर था। वो कंडीशनल लेटर था, कंडीशन होने की वजह से ये लगा सभी को कि देखिए आज एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि किसान ठंड में आ रहे हैं, दूसरी तरफ अगर उनको बुलाने की बात हो रही है तो कंडीशन लगाई जा रही है, वो नहीं होनी चाहिए थी। सरकार देश के लोगों की माँ बाप का रुतबा रखती है, सरकार को फराक दिली बड़ा दिल मन दिखाने की ज़रूरत थी यहाँ पे कि किसानों को आगे से आकर, अगर वही सरकार जो ये रोड छुड़वाने की अब बात कर रही है, अगर वो सरकार के मंत्री जब हम किसान आ रहे थे वो पहले आकर यहाँ हमें ये रिसीव करते कि भाई आप आइए, क्या बात कहनी चाहते हो, यहाँ बैठे मैं हम आपसे बात करेंगे। मेरा ख्याल है किसान इतने अग्रेसिव नहीं होते थे, किसान अपने आप इनकी बात को मानते हैं। तो ये जो इनकी है मेन बात, ये एक तो ये है, दूसरी बात है भाई साहब ने कही है कि आपकी मांगे क्या है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारी मांगे हैं, हमारी भारत सरकार 3 कानून लेकर आई है एग्रीकल्चर के संबंध में, वो तीनों कानून किसानों के खिलाफ हैं, कॉरपोरेट के पक्ष में भुगतते हैं। इसके लिए हमारी ये मांग है कि ये कानून हर हाल में रद्द किए जाएं, ये ख़त्म किए जाएं, और इन्हीं के साथ एक और ये बिजली एक्ट ला रही है 2020, वो जो इन्होंने ऑर्डिनेंस लाने का जो लाया है वो उसे वहीं का वहीं ख़त्म किया जाए, वो नहीं होना चाहिए। तीसरा एक और लाई है कानून लेकर आ रही है कि जो किसान पराली को आग जलाएंगे, पराली को जलाएंगे, आग लगाएंगे, उनको 1 करोड़ रुपया जुर्माना और उन पर 5 साल की सजा का प्राविधान किया गया है, जिसे हम मुद्दों रद्द करते हैं और किसान को वापस लेना चाहिए। ये किसान नहीं करता, क्यों? ये बात भी मैं क्लियर करनी चाहता हूं कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक सर्वे करवाया है, उस सर्वे से निकलकर ये बात सामने आई है कि भारत का किसान अगर पोल्यूट करता है वातावरण को तो केवल 4-5% होता है। जब हमारा किसान 5% जो पोल्यूट करता है उसके लिए ये सजा, और वो भी उस समय जब उसकी बारी आई है जलाने की, ये एक तरह का किसानों को सजा देने का सरकार का यत्न था। तो इस पे मतलब हमारा ये मांगे हैं, पहला वाला बाबा जी एक बार फिर बता दो, पहले वाला पहले वाली 3 कानून लेकर आई है किसानों की एग्रीकल्चर के खिलाफ, भारत सरकार उन 3 कानूनों को खत्म करवाना, उनको रद्द करवाना हमारी पहली मांग है, वो हर हाल में खत्म होने चाहिए। और उनके साथ एक बात और ध्यान में रखनी है, जो हम मांगते हैं वो ये मांग है कि MSP है जो, उसकी गारंटी और उस MSP पर खरीदने की भी गारंटी, इसका कानून बने, वो कानून बनाए सरकार, फिर हमारा मतलब ये किसानों के जो ऊपर जो कुहाड़ा उठा है, किसानों की जो जिसे हम डेथ वारंट कहते हैं, उससे किसान का भला हो पाएगा, बच जाएंगे, हमारा मतलब इतना ही कहना है। आगे खड़े होके बात कर रहे ऐसे, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि हमारा जो बुनियादी जो शंके हैं, हमें मोदी सरकार कहती है कि ये कानून हम किसान के भले के लिए लाए। 13 तारीख को मीटिंग हुई, मंत्री 3 थे, उसमें हमारा सवाल था कि कौन से किसान ने आपसे ये भला करने की डिमांड की थी, या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने भला करने की डिमांड की थी। दूसरा, उन्होंने वो कहते हैं कि जी हम तो बिचौलियों को निकालने के लिए हमने ये कानून लाए हैं, तो हम कहते हैं डिफाइन बिचौलिया। हमारे
पंजाब और हरियाणा का मार्केटिंग सिस्टम दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वहाँ पे जो आड़ती है वो क्या करता है, हम ट्राली लाते हैं, वो खाली करवाता है, उसको उसकी सफाई करवाता है, उसको रेट लगवा के खरीद एजेंसी से फिर उसको बोरियों में भर के उनको ट्रांसफर करता है, तो सारी पेमेंट लेके किसान को देता है। अगर वो 1500 रुपए खरीदे और 1925 का बिल बनाए फिर तो बिचौलिया हुआ। उसने ये सारी सर्विस दी, उसके लिए उसने अपना कमीशन ले लिया, ही सर्विस प्रोवाइडर, ही इज नॉट बिचौलिया। बिचौलिया आप, बिचौलिया आप बिचौलिए के दबाव में है क्योंकि आपने डिफेंस में बिचौलिए रखे हुए हैं, आपने भारत सरकार का जो ट्रेड और कॉमर्स है उसके लिए बिचौलिए रखे हुए हैं, हर काम के लिए बिचौलिए रखे हुए हैं। भारत सरकार का कहीं भी कोई भी सौदा हो बगैर बिचौलिए के नहीं होता, इसीलिए उनके दिमाग पे चढ़ा है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो ही सर्विस प्रोवाइडर इज नॉट बिचौलिया। अगली बात वो कहते हैं कि जी हमने जो कानून बनाया है, हमने एक देश एक मंडी बना दी। ग्राउंड रियलिटी ये है कि 1976 में हमने एक एजिटेशन लड़ा जब जोनल रिस्ट्रिक्शंस थी, हम पंजाब से बाहर गेहूं नहीं ले जा सकते थे, 1450 किसान 40-40 दिन जेल गए और दूसरी तरफ एक हाई कोर्ट में केस डाला जिसने नवंबर 76 में फैसला दे दिया कि सरकार किसी भी किसान को रोक नहीं सकती, वो अपनी पैदावार देश के किसी भी कोने में कितनी मात्रा में जब जी चाहे वो ले जा सकता है, उसको आप स्टॉकिस्ट भी नहीं कह सकते क्योंकि वो अपना खून पसीना बहा के पैदा करता है। तो 77 में जब जनता सरकार आई तो पहला पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि देश में सारे देश का एक जोन होगा। हमने पूछा के बिहार से पैडी पंजाब में आती है, यूपी से पंजाब में आती है, यूपी से गेहूं पैडी पंजाब और हरियाणा में आती है, कोई पाबंदी नहीं। हम अपना किन्नो बंगाल में बेंगलोर में बेचते हैं, कोई पाबंदी नहीं। हमारा यहां तक दिल्ली तक हमारी पहुंच है, हम किसान की सब्जी मंडी आजादपुर में लाते हैं, कोई पाबंदी नहीं। प्याज केला संतरा महाराष्ट्र से सारे देश में जाता है, कोई पाबंदी नहीं। सेब हिमाचल से जम्मू कश्मीर से सारे देश में जाता है, कोई पाबंदी नहीं। आपने क्या नया काम किया? एक्चुअली कोई पाबंदी है नहीं, अपने कॉर्पोरेट्स को खुश करने के लिए, उन्हें और कोई लॉजिक नहीं मिलता था तो कहा कि हमने तो जी एक देश एक मंडी दे दी। रियलिटी ये है कि एक देश दो मंडियां बना दी। एक मंडी है विच इज गवर्न्ड बाय एपीएमसी एक्ट, किसी कानून के तहत 100 साल से वो काम कर रही है जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, हर किसान को उसकी समझ है। एक मंडी जो इन्होंने बनाई उसमें कायदा कानून ही नहीं, कोई भी आदमी उसे कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, वो सिर्फ अपने पैन कार्ड से या कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अधिकारित डॉक्यूमेंट है उससे कहीं भी कितनी भी क्रॉप किसी किसान से खरीद सकता है, खेत से खरीद सकता है, घर से खरीद सकता है। इसका मतलब ये हुआ कोई अमीर आदमी चार गांव की गेहूं खरीद के ले जाए बाद में पेमेंट ना करे, कोई प्रोविजन नहीं कि हम उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, सिर्फ एसडीएम के पास जाएंगे, एसडीएम भी कुछ नहीं करेगा, वो रिकंसिलेशन बोर्ड बनाएगा, रिकंसिलेशन बोर्ड जिस सरकार की जिस पार्टी की सरकार होगी उसके लोगों का होगा, वो अपने अपोनेंट को हरेस करेंगे, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अगर नहीं हुई तो फिर डिप्टी कमिश्नर के पास जाएगा, इससे आगे वो किसी कोर्ट में नहीं जा सकता। तो हमने कहा ये किसान को लूटने की एक अलग चाल है। सेक्शन वाइज हमने टोटल सारे एक्ट्स को भारत सरकार के मंत्रियों से डिटेल में डिस्कस करके उनको डॉक्यूमेंट साथ दे दिए, आज तक सरकार के पास उसका कोई जवाब नहीं। दूसरा वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर के लिए हमने एक नया कानून दे दिया। हमारे पास हम मिसाल है, हम गन्ना बेचते हैं तो हमारा शुगर मिल से कॉन्ट्रैक्ट होता है, शुगर मिल वाले दो दो साल पैसे नहीं देते, किसान उसका क्या बिगाड़ लेता है, एजिटेशन करनी पड़ती है और 8.5% रिकवरी पे गन्ने का दाम तय होता है। अगर रिकवरी ज़्यादा हो जाए तो इन द एंड ऑफ द ईयर उसकी एवरेज रिकवरी के हिसाब से एडिशनल कैन प्राइस देने का प्रावधान एक्ट में है, कभी किसी ने नहीं दी। तो ऐसे एग्रीमेंट जो आप हमारे करवाओगे उनके उसमें लिख दिया कि वो एग्रीमेंट रद्द कर सकता है अगर जब क्रॉप आएगी उसकी क्वालिटी पे,
उसमें जो पेस्टिसाइड रेजिड्यू है उस बहाने किसी ना किसी बहाने वो रद्द करेगा, तो जो उसको खाद वगैरह जो उसके लिए पैसा दिया होगा किसान को, उसके लिए वो जाएगा एसडीएम के पास, उसने उसके खिलाफ डिग्री दे दी, ये कहते हैं कि कुर्की नहीं होगी जमीन की, लेकिन जो सेक्शन 15 में लिखा है कुर्की नहीं होगी, उसके अगले सेक्शन में लिखा है कि अगर एसडीएम उसके खिलाफ किसान के खिलाफ फैसला दे दे दैट अमाउंट कैन बी रिकवर्ड अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट। लैंड रेवेन्यू एक्ट का मतलब है कुर्की होगी, वो भी झूठ बोलते हैं। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अमेंडमेंट करके टोटल खुली छूट दे दी, हमारे से खरीदेंगे गेहूं 1900 रुपए, स्टॉक करके रख लेंगे, जब कंज्यूमर के पास जाएगा उसकी कोई स्टॉक लिमिट नहीं, कोई उसका हिसाब चेक नहीं करना, जब कंज्यूमर के पास जाएगा वही 7000 रुपए क्विंटल बिकेगी। ये आज हमारे देश के कंज्यूमर में समझ में ना आए, लेकिन इन द लॉन्ग रन कंज्यूमर भी मरेगा, प्रोड्यूसर भी मरेगा। हम सरप्लस मार्केट में है पंजाब में, वीट और पैडी सबसे ज्यादा पैदा करते हैं, अगर गवर्नमेंट की खरीद बंद हो गई, ये कहते हैं एमएसपी रहेगी, एमएसपी रहेगी उस वक्त तक जब तक सरकारी खरीद रहेगी, जब तक उनका कंपिटिटर जो पुराना सिस्टम है वो रहेगा, जिस दिन पुराना सिस्टम खत्म हो गया, मार्केट छोड़ गया, तो उसके बाद वो अपने गजों से नापेगा, जो कॉर्पोरेट हाउस है वो अपनी मर्जी से खरीदेगा, दाम क्रैश कर जाएंगे, स्टेट की इकोनॉमी भी जाएगी, किसान भी जाएगा। धन्यवाद साथियों। अभी नाम नहीं बताया जी आपने, बलबीर सिंह राजेवाल, प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन पंजाब। तो अभी क्वेश्चन आंसर का, क्योंकि सनसेट हो रहा है, क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। तीन स्पीकर हमारे बोल दिए, अध्यक्ष जी जो हमारे राज्यपाल साहब, एक इल्जाम लगना लगातार कि एजुकेशन चल रही है, ये कितना कितने कांग्रेस स्पॉन्सर कर रही है, इस तरह के इल्जाम लगते हैं बीजेपी के लीडरों को, नाल ही कुछ कट्टरपंथियों के वोट की भी गल कही जाती है, की कहना ये दोनों बातें गलत है। हमने कभी पिछले 2 महीने रेलवे ट्रैक्स पे बैठे रहे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हमने अपनी स्टेज इस्तेमाल नहीं करने दी, इनके पास और कोई जवाब नहीं, तो कोई ना कोई तो इल्जाम लगाएंगे ही। जहां तक कट्टरपंथियों का सवाल है, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं, ना ही कट्टरपंथियों का इस आंदोलन से, ये किसानों पे ये धब्बा लगाते वक्त मैं समझता हूँ इतनी बड़ी बेशर्मी सरकार कर नहीं सकती। इतनी बड़ी गैदरिंग में लोग आ जाते हैं कई बार एक्सप्लॉइट करने को, लेकिन ओवरऑल ये स्थिति कहीं नहीं है, आप मिलके देख सकते हो, वो सीधे साधे किसान है जो किया गया जहाँ चिट्ठी उस तो बाद आई सी जो इतने धरने लग जाते उसको नामंजूर किया, थोड़ा क्लियर कर। फिर आपको शायद मालूम नहीं, 3 सितंबर को इस एग्रीकल्चर सेक्टर की मीटिंग थी, उस दिन मंत्री भेज दिए पंजाब में, हमें बुला लिया यहाँ, हम उस मीटिंग में वॉकआउट कर गए थे। उसके बाद 13 नवंबर को यहाँ मीटिंग थी, उसमें 3 मंत्री थे, पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर और सोम प्रकाश, 3 मिनिस्टर थे। सारा दिन 3.5 घंटे हमने बहस की, उनके पास कोई जवाब नहीं। लेकिन उसके बाद आज जो मीटिंग उन्होंने हमें कल कहा था कि आपके साथ मंडे को उन्होंने बोला था मीटिंग करेंगे विदाउट एनी कंडीशन, जब लेटर आई तो उसमें कंडीशन डाल दी, इसलिए हमने उसको रिजेक्ट कर। आरएसएस के एक समर्थक नेता शिव कुमार कक्का भी आपके आंदोलन में देखे गए हैं, क्या ये आरएसएस ट्राई तो नहीं कर रही आपके आंदोलन में कुछ नहीं? अपनी आरएसएस के मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ इस बार को। शिव कुमार कक्का आरएसएस के किसी समय किसान विंग के प्रेसिडेंट रहे हैं, लेकिन उनका ये क्लियर कर ले सभी भाई, उनका इसी पर किसानों के मुद्दों पर शिवराज चौहान जी के साथ डिस्प्यूट हुआ कि किसानों की जो मांग है वो पूरी की जाए, जब इन्होंने किसानों की वो मांग पूरी नहीं की, उनके खिलाफ आंदोलन किया और पूरे का पूरी राजधानी को ट्रैक्टरों से जैसे आज हुआ है ऐसे उन्होंने ब्लॉक किया, और उसके बाद एजिटेशन बढ़ी तो कक्का के 5 किसान गोली मारकर बीजेपी सरकार ने कत्ल कर दिए। तो बताएं
हमारे हमारे जिस तो शिवराज चौहान से पर्सनल रंजिश का मामला भी बताते हैं लोग, कहते हैं कि बीजेपी की दूसरी टीम को मुझे लगता है इतना आंसर हो गया। कक्का जी के साथ सुनिए, कक्का जी के साथ जोड़ के एक और एडिशन खड़ा करो, दूसरे का नहीं लड़ा जी। एक सवाल है, फिल्म एक्ट्रेस है मुकेश खन्ना, एक हैगी है कंगना रनौत, उन्होंने दोनों ने कमेंट किया है। मुकेश खन्ना ने कहा कि किसान आगू जिहड़े इत्थे बैठे ने सारे लोटू ने, इन्हां नूं देश दे अन्नदाता नहीं कहा जाना चाहिए, रैडिकल ने। ते जिहड़ी कंगना रनौत है उन्हें साडियां बीबियां ते टिप्पणी की जिहड़ियां किसान संघर्ष ने कि वह सारिया 100-100 रुपए दिहाड़ी दे लियांदियां गईआं ने। देखो जिहड़े अन्नदाते दा पैदा कीता अन्न खा के इहो जिहा पाप कर, इहो जिहा पाप जो ऐसे जो अन्नदाता का पैदा किया अन्न पानी खा के ऐसी बातें करते हैं, एक्चुअली वो लुक्रेटिव लाइफ जीने वाले लोग हैं, उनको पता ही नहीं गांव की लाइफ कैसी है। मेंटली बीमार है वो, मेंटली बीमार है वो, उसकी हम निंदा करते हैं। दोनों के बयानों की हम निंदा करते हैं। तोमर जी ने अभी बयान दिया, उन्होंने बोला है कि किसान जो है बातचीत की बात करे, प्रदर्शन की बात ना करे, धरने की बात ना करे। अरे वाह क्या बात है सर, इतनी देर से हम प्रदर्शन करते आ रहे हैं, बातचीत करते नहीं, क्या करें? और हम सर माइक से या तो बीच में कोई बैठा हो। अच्छा चलो, ऐसे है जो हमने नेगोशिएशन से कभी इतराज नहीं किया। हम सितंबर में अभी 13 तारीख को दो बार हम नेगोशिएट कर गए और अपना केस पूरे का पूरा उनको इन राइटिंग भी दे गए। नरेंद्र सिंह तोमर ने 3 तारीख की लेटर डाली जब हम पंजाब से चल पड़े, तो कल हमें कहा गया कि मंडे को मीटिंग होगी, उसके कोई कंडीशन नहीं होगी। आज कंडीशन लगा के लेटर भेज दी, तो हमें कोई शौक नहीं है एजिटेशन करने का। वो हमारी मांगे मान ले, हम चले जाएंगे घर को। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਹ ਹੈ? ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ ਇਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ। ये बात स्पष्ट होना चाहिए, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बात किया है कि कॉल है संयुक्त किसान मोर्चे का, पंजाब में संघर्ष ज़्यादा है, ज़्यादा लोग आए, इसीलिए हमारा ये आपत्ति भी है कि इसको गवर्नमेंट बोल रही है पंजाब के किसान ही ज़्यादा तड़प रहे हैं, बाकी जगह आज देख लो हरियाणा के किसान बैठे हैं, यूपी के किसान आए हैं बुराड़ी में, वहाँ गाजीपुर जो वो है बॉर्डर है वहाँ बैठे हैं, मध्य प्रदेश राजस्थान से मेधा पाटकर के साथ कितने लोग आए थे। सो ये संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल है। एक दूसरा जो इन्होंने करा है अपने अमित शाह जी के गृह मंत्री जी ने, वो क्या कर रहे हैं कि इसको ऑल इंडिया ना बता के इसको पंजाब के 30 संगठनों का तक ही रखा जाए, इसीलिए वो चिट्ठी भी हमको ही लिखते हैं। हमारा ये मानना है कि जो अभी जो जॉइंट संघर्ष मोर्चा है वो अभी पूरा रूपक तैयार कर लिया है, उनको भी इनवाइट उनको करना चाहिए। पंजाब के संगठन तो है ही हैं, दल्लेयाल जी संयुक्त किसान मंच में है, राज्यवाल जी हैं और कक्का जी हैं, गुरनाम सिंह है, तो उनको क्यों नहीं करते, हमें ये समझ में नहीं आता। उनको भी इनवाइट करना चाहिए, ये हम तो 30 जाएंगे ही जाएंगे, हमको तो बुलाना ही बुलाना है, लेकिन उनको क्योंकि ऑल इंडिया मूवमेंट हो गया है, ऑल इंडिया को भी साथ ही करना चाहिए। एक बात सुनिए, हमने अपनी मांगे रखी है, हम नहीं चाहते कोई मीटिंग दे, वो हमारी मांगे मान ले, ऐलान कर दे कि जो तीनों कानून हैं जो किसान विरोधी हैं वो हमने वापस ले लिए हैं, वो ऐलान करें कि जो बिजली का ऑर्डिनेंस है वो वापस लिया, वो ऐलान करें कि जो किसानों पर 1 करोड़ का जुर्माना 5 साल की सजा का जो ऑर्डिनेंस वापस लिया, वो ऐलान कर दे, हम चले जाएंगे, हमें मीटिंग का शौक नहीं है।